You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. फाइनली गाइस सेट पे पहुंच चुका हूं और मेरे रूम में मैं एंट्री कर रहा हूं। आज डे 4 है शूट का। अरे क्या हाल है भैया? हेलो। आज मेरे साथ भैया हैं। कैसे हो भैया? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। अभी तक मेकअप वेकअप कुछ हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी देर पहले आया हूं। अच्छा, आपका भी 8 बजे कॉल था? हां, मैंने स्क्रिप्ट भी पहले रखी है। ये स्क्रिप्ट भी रखा है, कॉस्ट्यूम वगैरह सब रखा हुआ है। ये भी छोड़ दिया है। और सब बढ़िया? सब बढ़िया है। ये हमारे भैया हैं, ये रोकी का कैरेक्टर कर रहे हैं एज ए गून। तो आपने तो देखा ही होगा, टेलीकास्ट तो हो ही गया। और तो, बाकी हमारे भाई भी है। आज से स्टार्ट है ऐसे? नहीं नहीं, तीन तीन अच्छा पहले आज फोर्थ डे है। आज फोर्थ डे, दूसरे रूम में थे ना? हाँ, दूसरे रूम में था। आज हमें भैया और मुझे, हम सबको सबसे अलग बिठाया। हम दोनों बहुत मस्ती करते हैं। इनको मस्ती हमारी पसंद नहीं आई। इनको लग रहा था ये लोग बहुत मस्ती करते हैं, इनको भगाओ यहाँ से। तो अभी सेट पे जाएंगे, मस्ती करेंगे, भैया के साथ ही हमारा सीन है। सो लेट्स सी, जब तक रेडी हो जाते हैं। हम सबसे अलग बिठा दिया है, तो अभी हम फ्री बैठे थे तो सोचा कि हम अपने जितने भी भाई लोग एक्टर हैं उनसे मिल के ही आ जाते हैं। तो उनके रूम में जाते हैं और लेट्स सी वो क्या कर रहे हैं। ले तेरे जा, तेरे रूम में जा। मेरा रूम वहां पर दे दिया मुझे आज। चल मुझे कॉस्ट्यूम पहनना है, देख सब पहन के। तू कॉस्ट्यूम ये तेरा पहनूंगा। चल ठीक है, पर तुम दोनों को देखा ना रोमांस करते हुए। हां सही लग रहा था। सॉरी, ठीक लग रहा है। सही बताओ कैसे हो भैया? अरे कैसे चलो मिलते भैया। ये देखो, जिसको जिसके पास लाइन्स नहीं होती ना वो ऐसे ही करता है। भाई मेरे को लाइन्स दिलवा दो, मैं तब भी सो जाऊंगा उसमें। ये हमारे आश्रम 4 के आपके इंस्टाग्राम आईडी बता दो, डीएम करेंगे आपको। क्या 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 बोला? तो लाइंस है, समझे कुछ? कुछ अभी तो नहीं। अभी तो धोखा ही चल रहा है, धोखा ही धोखा ही चल रहा है। नहीं ये धोखा कामयाब हो जाएगा। क्या हो रहा है मुझे क्या दिक्कत नहीं आती? मैं उधर बैठा हूँ, इतने अच्छे पर वो कंटिन्यूटी बढ़ानी पड़ जाएगी मम्मी। इंस्पेक्टर किरण से मिल के आते हैं। अपना वो किरण थोड़ी है, ये देखो पहले। गोवा से आ रहे हो क्या? गोवा से तैयार हो चुके हैं? सब तैयार है, हमारा हमको उम्मीद है। देखो हमारा मेकअप वेकअप कुछ हुआ नहीं है, मस्ती हो रही है एकदम पूरे पूरे। मैं लगा कि आऊं ऐसे हॉलिडे सीन में है ना, ऐसे आऊं नहीं मस्त लग रहा है यार। अरे यार मैं उधर ढूंढ रहा था आपको। आप तुम्हारे साथ उनको डाल दिया ना क्या, रॉकी भाई को? हाँ रॉकी भाई है, रॉकी भाई। अभी बस वहीं से हम दोनों को अलग कर दिया। हम रेडी हो गए, यहीं आ जाएंगे आपके रूम में। अभी रुक जाओ, मजे करेंगे। बस मिलने आए थे हम सबसे कि मिल लेते हैं। क्या आजा आजा आजा, क्या आजा आजा, कुछ बात करते हैं। आ जाऊं क्या? हाँ जी, क्या हाल है फिर? मेरे को पता था तू आ गया पिंकू। अरे धक्का तो वीडियो तुम लोग हैं? तुम लोग नहीं नहीं, बुमरैंग बना रहा हूँ। नहीं अब वीडियो बन रही है। हो गया हो गया, ठीक है। तुम लोग मेरे को बिल्कुल समझ रहे हैं हम लोगों को।
भैया चले निकाल लेना वो। दिखाया आपको कि सब अपने अपने रूम में क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम दो भाई हैं जो ऐसे टहल रहे पागलों की तरह। कोई जिसको कोई काम नहीं होता ना वो यही करता है। अभी मेकअप भी नहीं हुआ है, अभी तैयारी नहीं हुई, ड्रेस नहीं पहनी है। अब चलते हैं जाकर देखते हैं, लोकेशन अच्छी, फोटो खींच लेंगे। मैं खींचता हूं सवाल सवाल ये है कि सात के शिफ्ट में 100 बारह बजे पीछे 100 बारह बजे में सारे 8 बजे बस कितना फोटो दिखा वो जो बस अच्छा वो लड़का था, दूसरा वाला फोटो वो तो दिखा बस का बस का बस कितने हो गया बस का जो जब सीन देने की बारी आती है ना, ऐसा रोमांटिक सीन दिखा रहे हैं। देखो बैंक के अंदर मरने की हालत हो रही है, लेकिन सीन दिखा रहे हैं रोमांटिक। वाह स्टार्टिंग में इन्होंने रोमांटिक, ये जो दादा है ना, ये हमारी बहुत वो करते हैं हमारे पे, क्लोज सारा फोकस हम पे। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे से दिखे और हमारे अच्छे सीन्स और क्लोजअप्स आ सके और हमारे एक्सप्रेशन दिख सके। दादा मुझे एक बात बताओ, यह मरने की हालत हो रही है और यहाँ पे जब हम लोगों के पास काम नहीं होता ना, हम लोग तो क्या करते हैं। क्या हो रहा है दादा? वहां से उठा ले लोग,
तुम लोग मतलब बिल्कुल समझ रहे हो हम लोगों को। सीन इतने दूर चल रहा था, फोन की बोझा रही है यहाँ पे। कहाँ क्या फोन? ये देखो फोन, फाइटिंग। ये देखो फोन, इसे कहते हैं सीन, धमाकेदार फाइटिंग सीन है। फाइटिंग सीन, गिरने के सीन। ऐसे ऐसे पड़े क्यों तुम? ऐसे पड़े क्यों? पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है क्योंकि मेरी हील है, कंटिन्यूटी ट्रैक है, मेरे को यही पहन के चलना पड़ रहा है। ये और गिरने पड़ने के सीन है और घोड़े बहुत तेज लग रही है। घोड़े वाली हील है आपकी? घोड़े वाली, घोड़े वाली हील। यकीन नहीं आता ना अभी? रुक, नहीं यार यकीन नहीं है ना, रुक एक मिनट। यकीन नहीं आता ना तुझे? रुक रॉकी, तूने ऊपर कितने लोगों को बंदी बना रखा है? 9 लोग। क्यों? ज्यादा सवाल जवाब मत कर, अगर एक और गोली चलने की आवाज आई। अरे एक और गोली चलने की आवाज आई है यहाँ पे। आई होप गाइस आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो करना है करना, बस कर देना।